सब्सक्राइब करें बी नेचुरल चैनल को और हिट करें बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है मेरी सारी फीमेल फ्रेंड से, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो। इनफैक्ट अगर आप मेल भी हो तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फीमेल फ्रेंड्स को, या कहीं हम लड़कियों की जिंदगी में ये वाला टॉपिक तो जरूर आता है। आप सब इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। देखो, अगर आप चाहते हो कंसीव करना तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं चाहते हो कंसीव करना तो क्या करना चाहिए? टीवी एड्स में जो दिखाते हैं आई पिल्स, अनवांटेड 72 पिल्स, क्या आपको वो लेनी चाहिए? कितनी अच्छी हैं या बुरी हैं? इसके बारे में आज के एपिसोड में बात करूंगी, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, देखने के बाद अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, हर फ्रेंड के साथ, फीमेल क्या, कोई वीडियो, मेरी वीडियो शेयर करने के लिए ना आपको जेंडर डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही देखना है, मेल फीमेल दोनों को देखना चाहिए, इस बारे में पता दोनों को होना चाहिए। और शेयर करना इसको अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और हर बार की तरह मुझे बताना आपने कितने लोगों में हैशटैग लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस की मुहिम में मेरा साथ दिया और ये वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, टीवी में वो एड देखी होगी आईपीएल की और अनवांटेड 72 की। तो वो एड देखने के बाद, तो जब कभी भी आपको आपकी लाइफ में लगता है कि आपने प्रिकॉशंस के बिना इंटीमेट हुए हो और आपको लग रहा है कि अब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो और आप बिल्कुल भी कंसीव करना नहीं चाहते, कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल, फैमिली, हेल्थ और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब अगर एक बार पहली बार हुआ है तो सीधा क्या डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? या टीवी में तो ऐड आती है ना, आईपिल लो, एक और खाओ और प्रेग्नेंट होने से बच जाओ। ऐसे सिचुएशन पे अगर आप फंस जाती हैं तो आपको सबसे आसान तरीका यही लगता होगा कि अरे बाजू में केमिस्ट की शॉप है, आप अपने पार्टनर को बोलती है या आप खुद चली जाती है आईपिल या अनवॉन्टेड 72 लेने के लिए, या ऐसी और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती है वो आप लेने के लिए चले जाते हैं और 72 घंटों के अंदर आप उसको खा लेते हो और आप कंसीव नहीं करते हैं। वो ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो बचने के लिए। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है, टीवी में एड देख करके आपने एक ऐसी दवाई खा ली जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। आपको नहीं लगता कि हम खांसी जुकाम की भी दवाइयां जो खाते हैं ना, वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही खाओ, आप खुद आपको कुछ लेना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की दवाई आपको खुद लेना नहीं चाहिए, फिर भी सर्दी जुकाम की तो चलो आप ले लेते हो, लेकिन प्रेगनेंसी तो बहुत बड़ी चीज है ना, हम लड़कियों की लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो ऐसे कैसे आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप ले सकते हो? लेकिन आप ये भी बोलोगे अरे हम तो खाते हैं, हमारा हम तो कंसीव नहीं करते हैं, वो खाने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, वर्क करती है और इजी तरीका है। बिल्कुल है, वो छोड़ो, मैं आपको पहले अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ। आप बोलोगे आपकी लाइफ में हर चीज होती है, तो मैं इसका जवाब ये दूंगी कि मेरे साथ जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने पलट करके देख लोगे तो आप भी मेरी बातों से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। आप में से आई एम डैम श्योर 70-80% गर्ल्स होंगी जो कहीं ना कहीं मेरी बात से रिलेट कर पाएंगी कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर अभी नहीं हुआ तो इन फ्यूचर उनके साथ हो सकता है, तो आपके साथ ना हो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। तो देखो, हुआ यूं कि जब यू नो व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड, तो उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, सच्ची बता रही हूँ, पहले मुझे किसी भी चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो तो बाय द टाइम आप जैसे बड़े होते हो, आपका यू नो फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, आपको नॉलेज मिलती है, तो बहुत सारी चीजें आप उम्र के साथ सीख जाते हो। तो मैं उम्र के साथ कुछ चीजें सीखी हूँ, उनमें से ये एक था। तो हम भी विदाउट प्रोटेक्शन में थे और उस टाइम पे ऐसा लगा था कि अब डॉक्टर के पास कौन जाए, ठीक है यार जाओ दुकान से आईपीएल लो और खा लो और बस, ठीक है उसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब होते हम उस टाइम यंगस्टर हैं और आप अपने डॉक्टर खुद ही बनते हैं और खुद ही दवाई ले लेते हैं। मैंने किया है ऐसा और अगले महीने से मेरे पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए, मतलब टाइम पे आते ही नहीं थे, आते थे तो जाते ही नहीं थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, मेरे चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा निकल आते थे। तो फिर आफ्टर ऑल मुझे गायनी के पास जाना ही पड़ा। तो मैं जब गायनी के पास गई तो उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछा कि अभी आप न्यूली मैरिड हो, आप अभी आप क्या फैमिली बढ़ाना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं अभी हम नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला कि आप प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हो? तो मैंने उनको बोला हुआ था ऐसा, तो मैंने आईपीएल ले लिया था, तो वो मुझे बस देखती रहेगी। उन्होंने बोला कितनी बार लिया? मैंने कहा इस महीने शायद 3 बार लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि एक बार लेने से पहले पढ़ भी लेते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा है इमरजेंसी कैप्सूल्स, तो जब आपको अर्जेंट होता है तभी आपको लेना होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना होता। उन्होंने बहुत डांटा और मुझे बुरी तरह से डरा दिया कि आपने जो किया है उसी की वजह से आपके पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए हैं
और लॉन्ग रन में चल के आपकी मतलब आप जब भी कंसीव करना चाहोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीइंग अ वुमन हो सकती हैं। अगर कोई लड़की आई पिल अनवांटेड 72 जैसी कोई पिल्स अगर रेगुलर बेसिस पे कोई ले, मतलब महीने में भी दो तीन बार नहीं लेना, एक महीने में एक बार भी नहीं लेना, आपको पूरी जिंदगी में एक से दो बार लोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर आप में से कोई इस तरह की पिल्स हफ्ते में या महीने में एक बार, हर महीने एक दो बार ले रहा है और सोचा कि अरे एक ही बार तो ले रही हूँ उससे क्या होगा, मेरी कहानी ने मुझे साफ मना किया है कि जिंदगी में एक से दो बार आप ले सकते हो, वो भी एडवाइस नहीं करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी कोई पिल्स लेते हो तो लॉन्ग रन में बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो आप अपने गर्भाशय को। आपके जो बेबी होता है ना आगे आगे चल के कंसीव करते हो तो एबनॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, पीरियड्स आपके इम्बेलेंस हो सकते हैं, और भी उन्होंने पता नहीं कितनी सारी बीमारियां मुझे गिनवा दी। और उस दिन तो ऐसे सुनकर के इंसान डर जाता है कि अच्छा यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे कि आपको क्या इतना भी नहीं पता, तो हाँ नहीं पता था मुझे, गलती की है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और ऐसी गलती कोई और ना करे, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आई थिंक ये वीडियो बहुत पहले मुझे बना देना चाहिए था, लेकिन किसी ने कल ही मुझे कमेंट करके पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा चलो अब आपको बता ही देती हूँ। सबके साथ ऐसा होता है, आप लकी हो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आई एम ग्लैड सच में कि नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, अब मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया। मेरे सारे व्यूअर्स अब हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। लेकिन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए फिर क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन आपको यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, और अपनी गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वगैरह देंगे, वो आप यूज कर सकते हो, चाहे वो मालाडी हो या ओवरल एल हो या कोई सी भी हो। मैं नहीं कह रही अभी दवाई खाओ, बिल्कुल भी नहीं, आपको अपनी गायनी से कंसल्ट करना है। अगर वो आपको बोलती है कि आप ये खाओ तो आपको वो खाना है जिस भी तरीके से वो आपको बोले खाने के लिए। तो ये सारी पिल्स टीवी में ऐड देख के ना लो। देखो यार इतनी सारी बातें मैं आपको बताती हूँ, इजी नहीं होता है मतलब इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करना। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी, मैं भी सोचती थी कैसे बोलूं कैसे बोलूं, लेकिन जब मैंने एक बार स्टार्ट किया ना तो आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला ना कि दीदी दीदी करके आप लोग इतने सवाल करते हो, तो फिर मेरा भी मन करता है यार दीदी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। बीइंग अ मैरिड वुमन, बीइंग अ टीचर, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू कम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, बट स्टिल बिकॉज आई हैव व्यूअर्स लाइक यू ऑल, आप लोग इतना प्यार देते हो ना कि बस मन करता है कि क्यों ना मैं शेयर करूं। जब मेरे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, आप लोग इतना थैंक यू बोलते हो, दिल से धन्यवाद देते हो मुझे, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। इनफैक्ट जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं उनसे भी पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करती हूँ कि अरे चलो नेगेटिव कमेंट दिया तो क्या हुआ, मेरा टॉपिक उनको इतना अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरा वीडियो खोल करके तो देखा। अब मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे कि आपको इतनी नॉलेज है तो आपके बच्चे क्यों नहीं है, आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते, शादी को इतना टाइम हो गया है। तो मैं उनको ये बोल दूं कि मैं मेरे हस्बैंड दोनों हेल्दी हैं, बेबी के लिए हमने अभी प्लान नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्या रीजन है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, तो फिर ये वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोलोगे क्यों इतनी लेंदी वीडियो बनाते हो। और भी विमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों का हो तो प्लीज मुझसे पूछते रहा करो यार। अच्छा एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोगों का ना मेरे को ऐसे प्यार करने से नहीं चलेगा, आपको मेरी वीडियोस शेयर भी करनी होगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाती, व्यूज कितने भी हैं, आप प्लीज इसको शेयर करो ताकि लोगों को इसके बारे में पता तो चले यार। कोई लड़की फालतू में आईपीएल रोज रोज खाए या हफ्ते में, मतलब रोज तो कोई नहीं खाएगा, मेरा मतलब अगर रेगुलर बेसिस पे खाए तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी ना अगर उसको इस बारे में पता ना हो तो। मुझे नहीं पता था जो गलती मैंने की वो गलती कोई और ना करे, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जहां बन करे वहां शेयर करो और मुझे बताओ कितने लोगों को शेयर किया। अगर आप मुझसे और ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं लाइव आ रही हूँ बी हेल्दी चैनल पे, जो कि मेरा दूसरा चैनल है बी हेल्दी चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर यहां भी अगर आप क्लिक करते हो जहां ये लोगो बना हुआ है जिसमें मैं और मेरे हबी हैं, हम दोनों एक साथ हर संडे 7 बजे इस चैनल पे लाइव आते हैं, आप लोगों से खूब सारी बातें और मस्ती करते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज लाइव मुझे यहाँ पे कैच करें, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो वहाँ पे, व्हाट्सएप में मैं ऑन करूंगी, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, देखते हैं कितने लोग कॉल करते हैं और कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं। प्यार सिर्फ बी नेचुरल को ही मत दो, बी हेल्दी चैनल को भी उतना ही प्यार दो, क्योंकि वहां मैं आपसे लाइव कनेक्ट हो पाती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ हम लाइव नहीं आते हैं, यहाँ हम आपको हेल्दी टिप्स भी देते हैं, तो बहुत सारी हेल्दी टिप्स जाननी है तो आ जाओ बी हेल्दी पे।
मैं आपसे मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए #letsspreadawareness फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को सारे सोशल मीडिया।